हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिक सीरीज की। मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करने में आपका क्या अप्रोच है कि आप न्यूमेरिक सीरीज को 100% एक्यूरेसी के साथ और कम टाइम में सॉल्व कर पाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जाम में हमें ऐसे एक न्यूमेरिक सीरीज दी होती है और इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बहुत इजी होता है और चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं क्या हमारा अप्रोच है कि हम इन पांचों के पांचों क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में कर पाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, हाउ मेनी सच फोर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। मींस क्या है, ऐसे कितने फोर है इस अरेंजमेंट में जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय है परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। सो मैं आपको बताने वाला हूं परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है और इस कंफ्यूजन को 100% मैं दूर कर दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। सो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा नंबर जिसको भी हम लोग दो इक्वल इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मींस कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग दो इक्वल इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगी आपका 16। 16 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 into 4 के फॉर्म में। मींस 16 को हम लोग दो इक्वल इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 16 4 into 4। सो दोनों इक्वल इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम 16 को लिख सकते हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर। 16 जो आपका परफेक्ट स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 4 की। 4 को भी हम लोग 2 into 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो 4 को भी हम लोग दो इक्वल इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे 4 भी है परफेक्ट स्क्वायर। बात करते हैं 8 की। फ्रेंड्स, 8 होता है 2 into 4 या फिर 4 into 2 या फिर 8 into 1। सो आप देखेंगे कि 8 को हम लोग दो इक्वल इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि 8 जो होता है वो आपका इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बात करते हैं 1 की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है 1 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 into 1। मीन्स 1 को हम लोग दो इक्वल इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। सो हम लोग कहेंगे 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अब ये जो आपका न्यूमेरिक सीरीज क्वेश्चन होते हैं हमारे लिए आसान होते हैं इस कंसेप्ट के बाद। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो बोला हाउ मेनी सच फोर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। सो आइए देखते हैं ऐसे कितने 4 हैं जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय है अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहां पर देखिए 4 है, दिस 4 इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां भी एक 4 है, इट इज नॉट फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। मींस केवल ये वाला 4 जो है ये फॉलोड है परफेक्ट स्क्वायर से। नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये 4 हो गया, ये भी आपका 9 में परफेक्ट स्क्वायर होता है। 9 को हम लोग 3 into 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये भी एक फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट इधर 4 है नहीं, एक ये 4 है, ये भी 9 से फॉलोड, मींस दिस इज ऑल्सो फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट 4 है, दिस इज फॉलोड बाय 5। 5 का स्क्वायर नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि 5 को हम लोग दो इक्वल इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं ले सकते। सो आपका जो ये वाला जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर से फॉलोड नहीं है। सो टोटल कितने होंगे 1, 2 and 3। सो आंसर विल बी 3। सो फ्रेंड्स इजी हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है If all the odd digits are deleted in the above arrangement, which of the following digit will be 11th from the right end of the arrangement? मीन्स कह रहा है सारे जो है ऑड नंबर्स को अगर हम लोग डिलीट कर देते हैं तो जो राइट एंड से जो है 11th नंबर कौन सा होगा। तो राइट एंड से अब फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है हमें। अब हम एक बार उस नंबर को नोट करें फिर उसमें से नंबर डिलीट करके हम उसको दोबारा लिखें, इस तरीके से नहीं करना होता है हमको। डायरेक्ट जो वहीं पे देखना है। अब बोल रहा है कि सारे जो हम लोग ऑड नंबर में से डिलीट करके जो 11th फ्रॉम द राइट हो जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे केवल जो हम लोग इवन नंबर्स हैं हम उनको काउंट करेंगे राइट साइड से और हम लोग जो 11th नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। सो सबसे पहला इवन नंबर वहां हमारा क्या है 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है। तो मीन्स 6 जो हमारा थर्ड नंबर है, फिर आपका 4th जो है आपका वो 4th नंबर है, फिर 5th नंबर आपका जो है 5th। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ऑल द ऑड डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच द फॉलोइंग डिजिट्स विल बी 11th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। मीन्स कह रहा है अगर सारे के सारे ऑड डिजिट्स को हम लोग डिलीट कर दें तो कौन सा नंबर जो होगा वो आपका 11th होगा फ्रॉम द राइट हैंड। और फ्रेंड्स ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें कुछ भी लिखना नहीं होता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन का गेम होता है। अब हमें क्या करना है हमें सारे जो है ऑड नंबर्स उनको डिलीट करना है। तो हमें जो है उसको सेपरेटली लिखना नहीं है, हमें जो है उसको बस देखकर ऑब्जर्व कर कर और हमें जो 11th इवन नंबर होगा राइट हैंड से हम लोग उसको बता देंगे वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड बोल रहा है कि ऑड नंबर को हमें डिलीट करना है। तो मीन्स क्या किया हमने इसको छोड़ दिया, हमने यहां से केवल इवन नंबर्स को काउंट किया। तो ये हमारा पहला इवन नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और 11वां। तो 11th जो मेरा आपका नंबर होगा फ्रॉम द राइट हैंड वो क्या हो जाएगा 2 आंसर। क्योंकि ऑड नंबर्स को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने का मतलब क्या है डिलीट नहीं करना, एक्चुअली हमें उसको काउंट ही नहीं करना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सो ये आंसर हो जाएगा आंसर आपका 2। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए अगर आप इसको जो है काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो मीन्स 18th जो आपका डिजिट आएगा वो क्या आएगा वो 5th होगा। ओके अब बोला इसके जो है 8 लेफ्ट इस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th मीन्स क्या हो जाएगा ये आपका 8th लेफ्ट हो जाएगा। कहां से 18th राइट के। ओके ठीक। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से हम लोग एग्जाम में काउंट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो देखिए एक बार आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूं। जब भी कभी बोले 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट, ओके तो कुछ मत करिए आप 8 और 18 को जोड़ लीजिए। 8 और 18 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 26 हो जाएगा। 26 फ्रॉम द राइट हैंड। ओके मीन्स जो बाद वाला है 8 टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट हैंड मीन्स जो बाद वाला है 18 फ्रॉम द राइट हैंड उसमें 8 जोड़ लीजिए मीन्स कितना हो जाएगा 26 फ्रॉम द राइट हैंड। तो डायरेक्ट हम लोग यहां से करेंगे एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सो हमें डायरेक्ट जो आंसर मिल जाएगा वो फोर्स मिल जाएगा। सो हमें इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट जो है देखना है 18 फ्रॉम द राइट हैंड और उसके 8 टू द लेफ्ट करना, मीन्स डायरेक्ट दोनों को जोड़ देना है, मीन्स 26 फ्रॉम द राइट हैंड। सो फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सपोज बोल रहा है क्वेश्चन में 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। सो यहां पर भी लेफ्ट है और यहां पर भी लेफ्ट है, तो क्या होगा जब भी लेफ्ट और लेफ्ट दोनों हो तो हमेशा जो होगा बीच में माइनस होगा। और सपोज ये आ गया 10, 10। हम लोग बार वाले का देखते हैं हमेशा, तो हो जाएगा 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 28 फ्रॉम द राइट हैंड, मीन्स यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है, तो जब भी लेफ्ट और राइट होता है तो हमेशा ये ऐड हो जाएगा और हमेशा बाद वाले को लेके फाइनल, तो क्या हो जाएगा 28 फ्रॉम राइट एंड। ओके, नेक्स्ट में बोल रहा है 4 टू द राइट ऑफ द 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहां पे देखिए राइट है और यहां पर लेफ्ट है, सो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 18 और यहां पर क्या हो जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट 4 टू द राइट ऑफ द 14 फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहां पर भी राइट है और यहां पर भी राइट है, तो मीन्स क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये होगा फाइनल फ्रॉम राइट हैंड। तो फ्रेंड्स हमेशा जो होगा फाइनल देखेंगे वो लास्ट वाले का देखेंगे, जो मिस आखिरी में जो क्या है, ठीक। तो इस तरीके से हम उसको बिना वहां पर किए हुए डायरेक्ट जो हम लोग घटा के निकाल रहे और किसी बैंड से जिस एंड से आ रहा होगा उस एंड से देख लेंगे। सो आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये पूरा का पूरा जो न्यूमेरिक सीरीज का प्रॉब्लम्स होता है ये आपको बिल्कुल भी इसमें पेन पेपर नहीं उठाना है, उसको केवल और केवल ये ऑब्जर्वेशन का गेम होता है। आपको पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो अगर 8 टू द लेफ्ट बोल रहा है या 8 टू द लेफ्ट बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए 8 टू द लेफ्ट बोल रहा है ऑफ 18 फ्रॉम द राइट, तो कैसे उसको जोड़ना है। और अगर बोल रहा है 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो उसको कैसे घटाना है ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी पेन नहीं छूना है, हमें इसको केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से करना है अपने, तभी हम इसको अपना टाइम जो है मिनिमाइज कर पाएंगे और इसका जो टाइम हमें बच के मिलेगा वो हम बाकी सेक्शंस में लगा पाएंगे। सो अब देखिए यहाँ पे बोला हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट each of which is immediately preceded by even number and immediately followed by odd digit. Okay, तो देखिए 9 preceded by even and followed by odd. Okay जी, अब देखिए 9 को हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9 even है odd है, एक हो गया यहाँ पर। Okay, फिर देखते हैं अगला 9, दोनों even नहीं होगा। फिर यहाँ पर 9 है even है odd है, yes true है। फिर आपका 9 इवन है ऑड है तो ट्रू है, तो मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। सो आपको जो है वहां पर बस आपके मियर ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट हो गया, अब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी टूज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसेडेड बाय डिजिट which has a numerical value less than 2's square. तो क्या है how many 2's are there in the above arrangement जो कि preceded by एक ऐसे नंबर से है that is less than 4, means ये less than 4 वाला नंबर। अब देखिए 2 less than 4, अगर सबसे पहला 2 देखें तो ये less than 4 नहीं 4 है, तो मीन्स ये तो नहीं होगा। फिर 2 <4 यस, एक तो ये हो गया। फिर 2 <4 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर 2 <4 ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 <4 यस से पॉसिबल है, यहाँ 1 है किसी भी। फिर उसके बाद आपका ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 है। फिर 2 ये भी नहीं है, तो मीन्स कितने हैं आपके टोटल जो है 1 और 2, मीन्स टोटल आपके 2 2s हैं ऐसे, जो कि दैट आर प्रीसीडेड बाय अ डिजिट व्हिच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 2 स्क्वायर यानी 4। सो आपका आंसर हो जाएगा 3। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मीन्स प्रॉब्लम हो रही तो आप इस तरीके से लिख के कर सकते हैं ऐसे, ये जरा टाइम नहीं लेगा आपका और थोड़ा आपको सपोर्ट दे देगा, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था न्यूमेरिकल सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स, और इस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। या जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम मिनिमाइज होता जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आ रहे हैं वो आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेस्ड लेके आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please like and subscribe our channel Study Manthan at YouTube. Thank you, friends.